सब तो पहले अपना नाम आम आदमी पार्टी वालों ओहदा मिलिया उस बारे मैं सुरेंद्र मित्तल जी सबका जनरल सकत्तर माझा जोन आम आदमी पार्टी वालों सर जी गलबात करिए तीन महीने चुके पार्टी में आया आप जो वोटा लैनिया से उदो हर एक वादे किए कि जो हमारी पार्टी आएगी तो असी लेडीज के खात्या हजार रुपया पावे बिजली बिल माफ करा पर हाइक खात्या की गल की बिजली जी भी प्रोपर जी दी नहीं जा रही की कहना चाहते हो सर वेखो असी जुलाई एक जुलाई का टाइम लिया एक जुलाई तिना चौं दिनों आ रही है जेडे दिसंबर महीने तक पेंडिंग बिल ही इन्हों के माफ किए जाने वो तुम्हें भी पता है तो एक जुलाई तो जिन्हें आप 300 यूनिट माफ वो शुरू कर रही है सरकार जी जे आप गल करिए जनानिया के खात्या में हजार हजार वो भी जी पक्का जी भगवंत मान जी ने कहता कि थोड़े दिनों तो वह भी आल पंजाब जड़िया मावं भैन साड़िया बेटिया वा उन्होंने अकाउंट से ही जो वादा किया वा पूरा करा जी पर मंथ 1000 रुपया देवे जे आप गल करिए शराब की शराब सस्ती करती पर जो घर अन्न पैन वाला अनाज पैन वाला वा वह सस्ता नहीं देखो सर अनाज का जितों तक गल आ भी स्कीम हैगी तो हैगी कणक फ्री दे रही है पंजाब गौरमेंट भी सेंटर गौरमेंट भी दे रही है शराब पहला चोर बाजारी चलती शराब की उन्नी सरकार की नहीं वेखती जिनी की प्राइवेट बंदे दो नंबर च बेचते सन दूसरी अकाली दल दरकार कांग्रेस की सरकार टाइम तुम देखो शराब का बजट घट रेट करके भी बजट वध रहा है खजाने च पैसे वध रहे ने ते पर गरीब ते फिर गरीब हो रहा देखो गरीब नूं जदों सारियां भाजी गरीब की अज जरूरत की आ पहली हैगी शिक्षा जदों तुहाडी शिक्षा फ्री होगी सस्ती होगी दूजा हैगा रुजगार रुजगार मिल गया तो आदमी हर परिवार खुशहाल हो जाना तीसरा अपना हैगा वा हैल्थ हैल्थ का लोगों को दवाइया फ्री मिल गई इलाज फ्री हो गए वड्डे वड्डे ऑपरेशन फ्री हो गए तो आदमी को कितनी सहूलत मिल जानी है आम ते गरीब वर्ग नूं काफी मदद मिलेगी देखो सरकारी हस्पतालां च पहले ही घट रेट ते मिलदे जी लगे ने रोज ही जिन्नी जनता को अपनी प्रॉब्लम लैके जाते मौके हल कराते वैसे भी लगे हर महल हर गली वैसे हल खिंचे जा रहे ने पर जे आप एम एल ए साहब के काम की गल करिए लोगों वालों कहना वा कि एम एल ए साहब कोई काम नहीं कर रहे नहीं देखो 3 महीने हो गए तुहानू भी पता कि रिस्पोंस पब्लिक ने सानू दिता वो हिसाब न साडे एम एल ए उस तो वध चढ़ के काम कर रहे हैं दसो तुसी जिहड़े पहले एम एल ए बदूरियां सरकारां दे आम बंदा उन्हां दे लागे खलो भी नहीं सकता भाजी सवाल करना तो दूर की गल अज साडे एम एल ए दे आले दुआले 50-50 बंदे अपनी प्रॉब्लम दसन दे सर जिस तरह की कौंसलिंग दियां इलेक्शनां भी लागे आ रही वा की तुहानू लगता भी तुसीं काम ते कोई कीता नहीं जनता ने काम काफी किए सर पर की तुहानू लगता वा कि कौंसलिंग दी सीट जिहड़ी आ तुसीं जित पाओगे देखो जी अं आए भगवंत मान जी ने किनिया सहूलत जरत कितिया 3-4 शर्त लागू कर चुके हैं की लगता कि वाकई कौंसल मैं सीटा 99% अं जिता सरदार भगवंत सिंह जी ने कहा ही कि वधिया स्कूल नंबर 1 स्कूल होणगे साडे हाले दे शुरुआत होई आ अज मीत हीर जी ने भी कैबिनेट दे विच उत्थे कहा है विधान सभा च उन्हां दे भी आउंदा है जी उन्होंने भी कहा है मीत हीर जी ने सिक्ख्या मंत्री साडे सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब साडे मुख मंत्री ने उन्होंने भी दिता कि तुसीं बाहरों पोचा मारता रंग करता वह स्मार्ट नहीं गए स्मार्ट नंबर 1 असीं बना के तुहानूं विखावांगे अज उन्होंने कहा कि स्मार्ट नंबर 1 अज असीं तुहानूं 5 साल तो पहला बना के विखावांगे हाले ते शुरुआत होई आ अगे अगे वेखो तो सरकार ने किन्ने वधिया काम करने आ बहुत वधिया सरकार चल रही आ ये नहीं कि सरकार विरोधी धिर ने जो मर्जी एलीगेशन सरकार ते लाई जावे जी ओ हो गया विरोधी धिर दा काम हुंदा
ठीक नहीं। सरकार साड़ी बहुत वधिया चल रही, साडे एमएलए सारे जिन्ने साडे वेस्ट दे आ डॉक्टर जसबीर सिंह जी संधु साहब बिल्कुल तन मन नाल लगे हुए आ, और साडे सारे एमएलए साहब लगे हुए ने, साडे मिनिस्टर लगे ने, रात दिन एक मेहनत कर रहे हैं। साडे केजरीवाल साहब साडे कौमी कन्वेनर ने, असी शुरू करते हैं, उन्होंने कहा 30-30 घंटे काम करोगे, 30 तो वध साडे जिन्ने भी साडे कैबिनेट के मिनिस्टर आ, साडे सीएम साहब ने सरदार भगवंत सिंह जवान साहब साडे, वो मेरे ख्याल रात मेरे दर्जन 3 बजे सौंदे होने घट्टो घट, जितों तक क्योंकि असी भी संगरूर जिले च कुछ ला के आए दिन असी वेख्या कि बहुत ही दुनिया का रुझान है।